हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्सिन 500 एमजी टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज़ होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके प्राइस क्या हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस टैबलेट में जो साल्ट है वो कौन सा है। तो इस एल्सिन 500 एमजी की जो टैबलेट है, जो एक ब्रांड नेम है एल्सिन, और इसका जो साल्ट है फ्रेंड्स वो है लिवोफ्लॉक्सासिन, और इसकी जो वैल्यू है वो है 500 एमजी। तो लिवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, अब इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसका जो बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है निमोनिया, मतलब लंग्स इन्फेक्शन, या फिर लंग्स में फ्लूड वगैरह भर गया है, मतलब लंग्स में फ्लूड आ गया है, तो उस टाइम पर इसके टैबलेट को यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छे से आपकी मदद करती है और काफ़ी रिजल्ट बेस्ट मिलता है इस टैबलेट का। और दूसरा यूज है फ्रेंड, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र मार्ग में आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है UTI, मतलब उसमें कहीं पर आपका इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने में इसकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है फ्रेंड्स। अब तीसरे यूज़ की बात करते हैं, तो इसका तीसरा यूज है फ्लूड बिल्ड अप इन दी लंग्स, मतलब फ्लूड बिल्ड अप इन दी लंग्स, मतलब मैंने अभी बात की थी इसकी पहले भी, तो मतलब जो फ्लूड भर गया है किस लंग्स में और ज़्यादा बिल्डअप कर रहा है, बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर उसे रोकने के लिए और उसे सुखाने के लिए भी इसका टैबलेट का यूज़ किया जाता है और रिजल्ट इसका काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और इसका यूज़ किया जाता है जैसे गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो, मतलब ब्लैडर में इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ किया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन, मतलब जो प्रोस्टेट हमारी ग्लैंड होती है उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने में इसकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है और काफ़ी अच्छे से मदद भी करती है टैबलेट। और इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स स्किन इन्फेक्शन, अगर कहीं पे स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गई है आपके, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है, तो रिजल्ट भी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और इसका यूज़ किया जाता है ब्रोंकाइटिस में, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस की समस्या रहती है, मतलब लंग्स में जकड़न वगैरह रहती है, ब्रोंकाइटिस रहता है बहुत ज़्यादा, खांसी की मतलब खांसी रहती है एक हिसाब से, ठांसा टाइप का ब्रोंकाइटिस, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है, तो उस टाइम पर ये रिजल्ट काफ़ी बेस्ट देती है फ्रेंड। तो ब्रोंकाइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब किसी भी टाइप का, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जो कि अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव होती है टैबलेट। तो ये तो इसके यूज हो गए फ्रेंड्स, मतलब इन कारणों में बॉडी में जो समस्या रहती है उसको ये टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोसेस फॉर्म के बारे में। तो इसकी जो डोज है फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है डॉक्टर BD भी देते हैं, एल्सिन 750 mg भी आती है, 500 भी आती है, तो जो ज़्यादा दिक्कत रहती है तो BD भी दिया जाता है, और वैसे OD भी दे सकते हैं डॉक्टर, वो आपकी डोज रिकमेंड, मतलब निर्धारित उस टाइम पर करेंगे जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन किस टाइप का है और कौन से इन्फेक्शन किस जगह पर है, तो फ्रेंड ये डॉक्टर निर्धारित करेंगे, लेकिन इसको BD भी दे सकते हैं और OD भी दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये तो इसकी डोसेज फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड इस टैबलेट को साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि नाउजिया, स्टमक डिसऑर्डर, और अबडोमिनल पेन, और स्किन रैशेस, स्किन ईचिंग, अगर ऐसी कोई स्किन एलर्जी वगैरह लगे आपको, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना ले फ्रेंड्स, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा रिव्यू था एल्सिन 500 एमजी टैबलेट के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो बेसिक सी, तो आप इसको हमें बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए, आप मुझे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर जवाब देना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिव्यू था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आर डियर फ्रेंड्स एंड आर डियर टू फैमिली।